हेलो गाइस, मैं हूं आपका फ्रेंड साई टेक्निकल। आज लेकर आया हूं एक नया वीडियो। बहुत दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे। चलिए गाइस, आज एक वीडियो में बताऊंगा अपने फ़ोन में व्हाट्सअप का स्टेटस डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। बेसिकली वीडियो में दो मेथड बताऊंगा आपको, आपको जो पसंद आप वो मेथड से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ सपोर्ट फॉर अशिफा। तो फर्स्ट मेथड की बात करते, बेसिकली जो हम व्हाट्सएप पे जो स्टेटस रखा जाता है, किसी भी तरह का जो स्टेटस रखा जाता है वो हमारे फ़ोन में जाके सेव हो जाता है। तो पहले निकालने का उसका तरीका, आप अपने फाइल मैनेजर में चले जाइए। कोई भी फाइल मैनेजर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सेटिंग में जाइए फाइल मैनेजर के, वहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगा और वहाँ पे आपको ऑप्शन, हर फाइल मैनेजर में आपको ऑप्शन ज़रूर मिलेगा शो हिडन फाइल्स का। अगर आपको ये हिडन फाइल का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो ये गैलरी का डाउनलोड के लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते सर, हिडन फाइल हमारे मोबाइल में शो हो रही है। हमें एकदम लास्ट में चले जाना है व्हाट्सअप करके। व्हाट्सअप पर जाना है, व्हाट्सअप पर मीडिया में, फिर यहाँ पर स्टेटस करके सिंबल मिल जाएगा, मिल जाएगा फाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब तरह की आपको इमेजेस और वीडियोस दोनों मिल जाएगी। ये है फर्स्ट मेथड। अब बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, आपके हर एक के फ़ोन में एमएक्स प्लेयर का ऐप ज़रूर होगा वीडियो देखने के लिए। तो उस ऐप में आपको चले जाना है, वो ऐप के यहाँ पे तीन डॉट दिखाया राइट साइड में, उस पर क्लिक कर देना है। फिर उसको आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाके आपको लिस्ट में चले जाने का है, और लिस्ट में जाके आपको एकदम नीचे स्क्रॉल करके चलना है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, इसे आपको क्लिक कर देने का है। फिर यहाँ पे बैक हो जाना है आपको। फिर यहाँ पे डायरेक्ट आए, कभी कभी नहीं आता तो इसलिए आप रिफ्रेश का बटन प्रेस कर दीजिए। फिर यहाँ पे फ़ोन में जितने वीडियो के जो स्टेटस है ना, आपके फ़ोन में सब आ जाएंगे। और गाइस, ये दो मेथड थे जिससे आप व्हाट्सअप के स्टेटस आराम से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते। किसी से आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है बार बार, प्लीज़ भाई सेंड करना सेंड करना। बहुत ही सिंपल मेथड है। अब बात करते हैं अशिफा के बारे में। अशिफा नाम की जो लड़की थी जम्मू कश्मीर की, जिसके साथ 8 दिन तक कुछ हैवान लोगों ने बलात्कार किया, हमें उसका विरोध करना चाहिए कि बेचारी लड़की के साथ ऐसा किया, उन्हें दरिंदे लोगों ने उन्हें मार दिया और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी से भी बुरी सज़ा उनको देना चाहिए, सीधा उन्हें मृत्यु देना चाहिए। यही बात मैं आपसे कन्वे करना चाहता था। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।